में कभी कभी बहुत ज्यादा बोलना भी हमारे लिए कभी कभी गुनाह साबित हो जाता है। मेरी तो यही राय है कि अगर आपको सिचुएशन अच्छा ना होता, आप गूंगे रहना जाना ज्यादा उचित होता है। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ, उसे सुनिएगा, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। एक बार एक कंपनी में तीन व्यक्ति काम करते थे, मतलब बहुत से व्यक्ति काम करते थे, बट तीन लोगों से काफी गुनाह हुआ था। उन्हें सजा दी जाती है मौत की। तो उसमें सजा ऐसी सुनाई जाती है कि जिस चारे से जिसमें पशु काटे जाते हैं उससे उनको गला काटना है। उसमें एक व्यक्ति को लाया गया, जल्लाद लाता है और उसे उस आरे पे लिटा देता है। बटन दबाता है, बटन जाती है, उसके गले के जस्ट 1 सेंटीमीटर पहले ही मशीन का जो आरा रहता है वह रुक जाता है। जो जल्लाद है वो बोलता है, तुम्हारी लक अच्छी है, तुम बच गए हो, तुम जा सकते हो उठ करके। वह उठता है और चला जाता है। दूसरे व्यक्ति को भी वहीं पे लटाया गया, फिर जल्लाद बटन दबाता है, मशीन का आरा आता है और उसके गले के जस्ट 1 सेंटीमीटर पहले ही वह भी आरा रुक जाता है। फिर जल्लाद बोलता है, तुम लकी हो, जाओ, तुम बच गए। तीसरे व्यक्ति को भी लटाया जाता है और फिर जल्लाद बटन दबाता है और 1 सेंटीमीटर पहले आकर के फिर भी आरा रुक जाता है। जल्लाद बोलता है, तुम लकी हो, बच गए, जाओ। बट वो तीसरे व्यक्ति ने बोला कि मैं लकी नहीं, तुम्हारी मशीन ही खराब है, यहीं पे आके रुक ही जाती है। जल्लाद ने अपना उंगली हटा लिया और सिचुएशन बताया तो वह वहीं पे सेट किया हुआ था। वह जानना चाहता था कि इसमें कौन बहुत ज्यादा खराब पर्सन है। वो अपना अंगूरी हटा लेता है और जो आरा रहता है वह आर पार चला जाता है, उसकी गर्दन कट जाती है। तो दोस्त, दो व्यक्ति जो थे उसके साथ में, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और वह अच्छे तरीके से बच गए। बट जो थर्ड पर्सन था वह थोड़ा ज्यादा चालाकी दिखाना चाहता था, ज्यादा बोलने वाला था और उसने क्या किया, अपनी लाइफ को पूरा खत्म कर लिया। ऐसे सिचुएशंस में जहां आपको बोलना उचित ना हो वहां पे कम बोलना चाहिए। आपकी गंभीरता ही आपके ज्ञान और आचरण की सबसे बड़ी परिचय होती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बीच शेयर कीजिएगा।